तो ऑल डे लॉन्ग जो है ना अगर मतलब स्किन को अच्छा फ्रेश सा और ग्लोइंग सा लुक है ना ये जो जिसमें मसाला रखा हुआ है ना जिस बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा ये है एक शू बॉक्स आपको तो पता है जो हमारा बेसन आया है ना उसमें क्रीच ही क्रीच है तो वैसे भी इतने बिजी दिन चल रहे हैं टाइम गुजरता है बोल रही हूँ क्या होगा मैं इस जबान को बच्चा आगे तो ईद आ रही है मैं ऐन लिखू तो ईद हो जाएगा यार तो ईद आ रही है ना तो इस वजह से वो जो पंखे शंखे और ये वजह वेलकम बैक टू माई सुंदर सा व्लॉग एंड असलामेकुम आज कौन सा रोजा है मैं भूल गई हूँ आज चौथवा रोजा है यस yes, रोजे भी ना मेरे दिमाग से निकल जाते हैं खैर आज का व्लॉग बड़ा ही सिंपल है मैंने सोचा आज ना थोड़ी सी टिप के साथ व्लॉग शुरू करते हैं देखें आ, मतलब कि पूरे जैसे कि हम घर में होते हैं और जैसे कि हम किचन में भी ऑफकोर्स सारे काम करते हैं तो ऑल डे लॉन्ग जो है ना अगर मतलब स्किन को अच्छा फ्रेश सा और ग्लोइंग सा लुक है ना उसको रखने के लिए मैंने सोचा मैं ना थोड़ी सी आपको एक बात बताती हूँ उसके लिए क्या करना है ना कि आपने फेस वॉश करना है अब जैसे कि मुझे ना अभी थोड़ी देर में अफतारी बनाने के लिए जाना था और आज मैं अफतारी में बना रही हूँ बिरयानी बिरयानी मेरे व्लॉग्स में आपको बहुत देखने को मिलती होगी क्योंकि आई लव बिरयानी माय फैमिली लव बिरयानी एंड ऑल पाकिस्तानीज लव बिरयानी खैर मैंने क्या किया है फेस वॉश किया है मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है मुँह पर और उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया ठीक है अच्छा सनस्क्रीन लगाने का ना बड़ा एक फ़ायदा है जो इंस्टेंट ग्लो होता है ना आपके फेस पर वो आ जाता है यानी कि शाइनी शाइनी अच्छी सी स्किन लगने लग जाती है उसी वक्त ठीक है एक तो हो गया ये वाला फ़ायदा और दूसरा फायदा ये कि अब जैसे कि मैं किचन में आई हूँ मैंने चुल्हे चुल्ले को जलाना है आग शाग लगानी है और वो जो है मुंह तक उसकी हीट आनी है तो समझ लें कि ये जो हीट है ना ये जो गरमाइश फेस पे पहुंचती है इससे भी ना सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन आपका कलर जो है ना वो डल नहीं होता बड़ा पूरा दिन मतलब ऑल डे आप घर में भी ना आपका फ्रेश लुक रहता है मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि बंदा बाहर जाए तभी मुंह को रगड़ के लेपापोती करके और चमका के जाए घर में भी एक अच्छा लुक होना चाहिए ना तो उसके लिए बहुत सिंपल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आप ऑल डे लॉन्ग घर पर लगा सकते हो तो ये हो गई आज की एक अच्छी सी टिप फॉलो ज़रूर करना ठीक है ना और फिर इसका फ़ायदा देखना सो so, अब जो है ना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं और अफतारी की मैं, आज मैंने बता दिया मैं बिरयानी बना रही हूँ दम वाली बिरयानी बनाऊंगी बहुत हमारे घर में ना सबको दम वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद है और एक मज़े की बात बताऊँ आज की जो बिरयानी थी वो बहुत मज़े की बनी थी यस और मैंने अपनी मम्मा को कहा कि बेसन भी साथ में निकाल दें तो मैं साथ ही साथ पकोड़े बना लूँगी नहीं पकोड़े बना नहीं लूँगी बेसन घोल दूँगी क्योंकि पकोड़े का, का काम बनाने का काम मेरी बहन मलाइका का ही है और सिर्फ वो ही बना सकती है क्योंकि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ कि मैं ना इतने सारे पकोड़े और इतने सारी बिरयानी ये सब एक साथ करूँ तो। और ये देखें जी मेरा फेस इस वक्त फ्रेश लग रहा है ना मतलब अपने मुँह या मिठ्ठू नहीं मतलब मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही लेकिन ये चीजें के आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ देखिए हालांकि अभी मैं किचन में इतनी कोई पैड़ी वाली गर्मी हुई हुई है यार मैं मतलब वो सब खाना शाना टमाटर शमाटर कट कुट के बाहर आके बैठी हूँ फिर भी मतलब स्किन लुकिंग सो फ्रेश मतलब डलनेस नहीं थी सो so, अब क्या करना है मैंने प्याज जो ब्राउन करने के लिए रखा था उसमें थोड़ा सा चम्मच फेरा है क्योंकि अक्सर प्याज मुझसे ब्राउन होकर काला ही हो जाता है तो मैंने कहा काला ना आज मैंने ब्राउन प्याज ऊपर से बिरयानी में डालने के लिए नहीं निकालता क्योंकि मेहनत बहुत लग रही थी प्याज बहुत लगने वाला है सो मैंने इतना नहीं काटा बल्कि ये थोड़ा मोड़ा भी मम्मा नहीं काटा था और जी बस अब मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी है और बिरयानी में जो सबसे मेन चीज़ होती है मेरी फेवरेट वो है आलू चाहे गोश्त की बिरयानी हो चाहे इवन तो पुलाव भी होता है ना अब तो मैं उसमें भी आलू डाल देती हूँ चिकन के साथ क्योंकि आई लव पटेटोज सो बस अब यहाँ पर थोड़े सा भूनते हैं बिरयानी को और एक और मजे की बात बताऊँ आज जो है ना जब बिरयानी बनानी मैंने शुरू तो कर दी थी पर फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि बिरयानी मसाला जो है ना वो आज खत्म हो गया था सो so, अभी जो है ना मैंने फिर वही ड्रॉ में इधर उधर घुस कर और ये सारे बिरयानी मसाले मैंने ढूंढे अच्छा एक अच्छा सा हैक है कै? ये जो जिसमें मसाला रखा हुआ है ना जिस बॉक्स में आपको नज़र आ रहा होगा ये है एक शू बॉक्स यानी कि जूतों का डब्बा सारे मसाले पहले हमारे ड्रॉ में डिस्पर्स हुए होते थे यानी कि बिखरे हुए होते थे फिर क्या किया है मम्मा ने कि जूतों के डब्बे में सारे मसालों के डब्बे रख दिए अब देखें जिस तरह से कोई भी मसाला चाहिए होता है ऊपर नाम लिखे हुए उसमें उस से मैंने निकाले बिरयानी मसाला ख़त्म हो चुका था सूखा सड़ा हुआ ये आधा पैकेट बिरयानी मसाला निकला तो मैंने यही डाला फिर मैंने कहा कि कह चलो घर में किसी से मंगा लेती हूँ बिरयानी मसाला भी और साथ में चिकन पाउडर भी वो भी ख़त्म हो गया था अच्छा अभी ना देखें मैं ना क्या बोल रही हूँ वीडियो में ये जो वीडियो मतलब तस्वीर में आपको शो हो रही है सही है इसमें आपने मुझे गेस्ट करके बताना है लिपसिंग करनी है मतलब कि मैं क्या बोल रही थी <laughs> खैर जी ये जो है वो जामिशीरी भी तैयार हो गई है जामिश्री और अच्छा जामिशीरी हो चाहे लीमू पानी हो चाहे टैंक हो मेरी मम्मा उसमें लेमन ज़रूर काट के डालती हैं क्योंकि लेमन्स जो है ना वो बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करते हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं रमज़ान में ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है ना और स्पेशली अब तो गर्मियों के आगे आगे रमज़ान शुरू हो गया और मुझे जो है गर्मी में फल्ला बहुत ज़्यादा मौत पड़ रही होती है लेकिन खैर है अच्छा जी धनिया पाउडर जो है वो थोड़ा सा मेरे से गिर गया था तो मैंने सारा साथ साथ साफ़ किया है और पीछे जो मैंने आपको दिखाया है तो वो सारे मसाले डालें क्योंकि बिरयानी मसाला कम था ना मैंने आपको दिखाया है सो उस में लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर वगैरह मैंने अपनी तरफ से एडिशनल ऐड एड़ किया है और अब जो बेसन है ना पकौड़ों वाला ये मम्मा ने ही घोल दिया था तो फिर सामने रखा हुआ था मैंने कहा इसमें मसाले डालकर काम खत्म करूँ क्योंकि मलाइका ने तो आना था लटक लटक के दर दर नाचते हुए तो वो इतनी उसके लटकने में बहुत टाइम लग जाता पकोड़े भी लेट हो जाते हैं सो मैंने कहा वाला तो काम खत्म करते हैं अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस बार आपको पता है जो हमारा बेसन आया है ना उसमें क्रीच ही क्रीच है मतलब मुझे लग रहा है पैसे सुपर मार्केट से यार लाने के बाद भी चीजों का ये हाल है मतलब पैसे देकर हम बेसन नहीं लेकर आए रेत लेके आए रेती <laughs> और मतलब इतने बुरा सारा पकौड़ों का मजा खराब हो चुका और बेसन भी ढेरों ढेर था खैर अब फिर वो जो है हमने कहा कि वापस करवाएं लेकिन अब यही जो है ना मार्केट तो रोजा होता है सुबह में मार्केट जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती बस वो चीज़ वैसे ही और वैसे भी इतने बिजी दिन चल रहे हैं टाइम गुजरता ही रहता है खैर अब देखें मैंने जो है आलू के पकौड़ों के जो बैटर था बेटर बोल रही हूँ क्या हो गया इस जबान को बच्चा खैर बैटर में मैंने जो है वो डाल दिया हरा धनिया आलूओं के पकौड़ों के और ये देखें ये जो सीढ़ी रखी हुई है ना यहाँ पर क्योंकि अब आपको पता है आगे आगे तो ईद आ रही है मैं एन लिखूं तो ईद हो जाएगा यार गाइस आजकल ये वाला गाना इतना हिट हो रहा है लेकिन ये ये वाला नहीं है मैंने गलत लिरिक्स बोले खैर हाँ तो ईद आ रही है ना तो इस वजह से वो जो पंखे शंखे और ये वाली चीज़ें हैं ना कोने खुदरों की दीवारों पे लटक लटक के साफ़ करने की तो इसलिए आजकल हमारी सीढ़ियों के पास ये सीढ़ी मौजूद है जिसको हम किसी वक्त भी यूज़ कर लेते हैं खैर अच्छा गैस पता नहीं गैस ने इतना कोई पड़ा काम शुरू किया हुआ यार मतलब पागल कर दिया ये देखें तेज का कितना काला हो गया पता नहीं कैसी गैस आ रही थी आई कुडन इवन अंडरस्टैंड कि ये इज़ हैपनिंग यार गैस के साथ कि मतलब पूरा तेज का ही काला हो गया मतलब इतना गंदा सड़ गया है पूरा बट इट्स ओके नो प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है मैंने जो है सारा वो अब दम लगाना है और ये लास्ट रह गया है काम मेरा इसके बाद मैंने अफतारी की मेज़ पे जाके बस धड़ाम करके कूद जाना है और उसके बाद उठना नहीं है अब आप सोच रहे होंगे मैंने लेग पीस वापस मसाले में क्यों डाला वो इसलिए क्योंकि अभी ये सबसे लास्ट वाली सॉरी सबसे फर्स्ट वाली लेयर है तो इसमें लेग पीस अगर जाएगा ना फिर जब बिरयानी को खोलेंगे और चम्मच चलाएंगे दम खोलेंगे ना तो फिर इस लेग पीस के चीथड़े उड़ जाने हैं जो तो लेग पीस किसी काम का नहीं बचेगा इस वजह से मैं लेग पीस जो है ना वो जो फर्स्ट लेयर मतलब सॉरी लास्ट लेयर होती है ना बिरयानी की उसमें रखती हूँ तो उस लास्ट लेयर में मैंने आखिर में सारा रख देना था और अभी मलाई का भी लटकते लटकते आप देख रहे हो मतलब अभी यार ये पकोड़े इसने बनाने नहीं शुरू किए दर दर नाच रही है मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की क्या मसला है इसका <laughs> मैंने जो है थोड़ा बखेरा भी कर दिया था दम लगाते हुए सो चावल जो है वो थोड़े से अच्छा मैं चावल हाथ से ही चुनती हूँ अगर गिर जाए क्योंकि चावलों के दानों का मुझे ये होता है कि इसके बारे में ना हमारे दीन इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई कि ज़ाया नहीं करने हमने बेद भी नहीं करनी है इससे रिज कम भी होता है बढ़ता भी सो मैं जो हूँ ना इसको एहतियात के साथ हाथ से चुनती हूँ सो खैर सारी स्लिप व्लिप साफ करके वैसे मैं इतनी सुघड़ नहीं लूँ लेकिन ये कि जो स्लिप में थोड़ी सी गंदी करती हूँ ना वो कर देती हूँ साफ़ और बर्तनों का हाल आप देख सकते हैं अभी तो मैंने आपको एक झलक दिखाई है लेकिन ये पांडे पोंडे ऐसे इनका रश लगा हुआ था ओ माय गॉड मतलब कि अजीब सी और इस वक्त मैं भी टुन हो चुकी हूँ फुल किस्म की टुन क्योंकि मुझे आ रही है बहुत नींद लेकिन अफतारी का भी टाइम हो रहा है और ये हमारी अफतारी की प्लेट आई है बाहर से जिसमें कि पकौड़े हैं औरेंज है और अच्छा ये चीकू कटा हुआ है ठीक है क्योंकि इसका बना था अभी मिल्क शेक क्योंकि अभी रहते हैं इफ्तारी में बीस मिनट तो चीक जो चीकू और स्ट्रॉबेरी वगैरह ये जो मिल्क शेक है ना ये मम्मा बिल्कुल इफ्तारी से पाँच मिनट पहले ही बनवाती हैं क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि उसका ना मतलब उसका जो न्यूट्रिशन होता है ना जितनी देर यह रखा रहता है तो फिर वो ज़ाया होता रहता है इसके आयरन का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप अफतारी से आधा घंटा पहले ही चीकू या मिल्क शेक कोई भी स्ट्रॉबेरी का इस तरह का बना के रख दें सो so, देखे अब अफतारी में जब 10 मिनट रह गए थे तो हम लोगों का चीकू जो है वो मेरी बहन ने बनाकर सॉरी चीकू का मिल्क शेक वो लाकर अफतारी की टेबल पर रख दिया ठीक है और मतलब अब जो है ना इसका आयरन पूरा, पूरा पूरा बस मिनट में अफतारी हुई हमने इसको पी लिया और इसका आयरन पूरा पूरा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा सही है अब देख लें ये बिरयानी भी तैयार हो चुकी है और इसका दम भी खुल चुका है और यार आज की बिरयानी की शक्ल तो देखो यार वाह मतलब मजे की बनी हुई है देखने में अच्छी है नहीं, मैं शेक नहीं, का। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं मैं पी का जो हूँ बस मैं अब डायरेक्ट बिरयानी खाऊंगी क्योंकि मेरा फिर पेट भर जाएगा बिरयानी कितनी यमी डिलीशियस लग रही है आहा। ये और अब मैं बिरयानी जो है मैंने रखी है अपने बहन भाइयों के आगे भी क्योंकि हम सब अफ्तारी में ही बैठ के खाना और मैं तो अफ्तारी में मुझे समझ नहीं आती मैं पकोड़े वगैरह खा लूँ फिर तो मैं पूरी रात कुछ खाती ही नहीं हूँ यार मतलब मुझे बस अफतारी में ही खाना खाना होता है खैर आज की बिरयानी यार आई प्रॉमिस आज की बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी अल्लाह का पक्का वादा मतलब बहुत मज़े की थी टेस्ट भी और इसका कलर भी बहुत टैमटिंग था उसके अच्छा इसके एक जो कोरमे में था ना उसमें मैंने पिंच ऑफ ऑरेंज फूड कलर डाला था ताकि कलर आ जाए खैर एनी अब देखो मैं जो हूं छत पर आई थी जरा और ये कितना बहुत खूबसूरत सा नजारा था अच्छा सामने भी देखने में और मोबाइल में भी कैप्चर होने में अच्छा अच्छा फिर उसके बाद बस मैंने जो है छत पे थोड़ी सी वॉक की थी फिर उसके बाद मैंने ताला लगाया अच्छा ताला जरूर यार छत को लगाते क्यूँ क्या आपको पता है पाकिस्तान में उफल्ला हर जगह पे चोरियां तो कितनी होती हैं चोरों का भी भरोसा नहीं कहीं से भी टाप टीप के आ जाते हैं सो <laughs> so, ताला जो है वो याद से मैंने लगाना था कभी मैं भूल भी जाती हूँ फिर मेरी बेस्ती भी बहुत होती है मेरी मम्मा से खैर ये हमारा मुर्गा भी यार आजकल बीमार हुआ हुआ है बेचारा इसको जो है ना पता नहीं क्या सुस्त बहुत हुआ हुआ होता है खैर अब मैंने सोना था नाइट स्किन केयर करके व्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ और मुझे जरूर बताना आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अल्लाह हाफिज़ टेक केयर